नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सभी लोगों का दीपोत्सव बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया होगा। मित्रों, कल मैंने आपको नदी बेतवा के पिछले अंक में बतलाया था कि जब लाखन घिर जाती है और माता देवला को इसकी सूचना मिलती है तो आल्हा और उदल से कहती हैं, तब वो दोनों भाई साफ इनकार कर देते हैं। उस इनकार से आहत होकर माता जाती हैं रानी मछला के पास में और कहती हैं, बेटा अगर यहाँ पर लाखन को कुछ हो जाएगा तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तुम आल्हा उदल से कहो कि जाकर के लाखन की जानकारी लें, उनके खबर लगाएं कहाँ है क्या हुआ। तब रानी मछला कहती है, माता आप बिल्कुल चिंता ना करें और आप आराम करें, मैं अभी जाकर के बात करती हूँ। और वो जाती हैं उदल के पास में, तब उदल से कहती हैं, जाकर के लाखन राना की सुध लो आप कि क्या युद्धस्थल के हाल चाल है। तब जो है उधर कहता है, भाभी मैं कैसे जाऊं, आला दादा से अभी मैंने इजाजत नहीं ली है और बिना उनकी इजाजत के मैं कदम नहीं रखूंगा। तब मछला कहती है कि अगर तुम्हें अपने दादा की इजाजत के बिना नहीं जाना है तो तुम मेरे कपड़े तुम पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, तुम यहाँ महलों में रहना और अपने दादा की सेवा करना, मैं जाती हूँ, जा करके मैं लाखन का पता लगाऊंगी क्या स्थिति है। तब जो है रानी मछला की बातें सुन करके उदल को क्रोध आ जाता है, शर्म के कारण वो अपना सर नीचा करके कहता है, भाभी आप महलों में विश्राम करें, और ऐसा कौन वीर है जो मेरे रहते लाखन को छत पहुंचाए। इतना कह करके वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होता है और आरा से कहता है, आप मेरे पीछे पीछे सारी फौज लेकर के आइए। इतना कहकर वो चला जाता है नदी बेतवा की ओर और जाते ही क्या देखता है कि जो राजा थे साथ में गए थे लाखन के, यानी कि हेर सिंह, बीर सिंह, लक्कड़ राजा, सातिन राजा, तो ये सारे लोग इन्हें वापसी में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तब उदल कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, और अगर मेरे मित्र को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों की खैरियत नहीं रखूंगा, मैं तुम सबके सर कटवा दूंगा। तो उदल की दहशत मानकर सारे राजा उस युद्ध स्थल के लिए मुड़ जाते हैं और अपने अपने मोर्चे संभालते हैं। जाकर आगे मिलते हैं ताला सैयद, धनुआ और लला तमोली। तब वो कहते हैं, चाचा सैयद क्या तुम भी मोर्चे से भाग आए, तुम्हें तो जो है वहां रुकना चाहिए था, भले ही तुम्हारे प्राण चले जाते, क्या तुम्हें इतने प्राण प्यारे थे जो तुम लाखन को छोड़कर चले आए। अगर इतने ही प्राण प्यारे थे तो यहीं तमुओं में विश्राम करते, क्यों लाखन को उकसा करके तुम नदी बेतवा पर लाए, क्या उसके प्राण ही लेना थे तुम्हें, तुम्हारा क्या उद्देश्य था, क्यों लेकर के आए थे। तब चाचा सैयद कुछ नहीं बोल पाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। तब वो धनुआ की ओर मुंह करके कहता है, और धनुआ तुम तो उसके सबसे वीर सामंत हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती है, जिस राजा का नमक खाया उसके लिए तुम्हारे मन में कोई समर्पण नहीं है, तुम्हें अपने प्राण इतने प्यारे हो गए कि तुमने लाखन के प्राणों की चिंता छोड़ दी। इसी प्रकार से वो लला तमोली को भी शर्मिंदा कर देता है अपनी बातों से, कहता है कि अब खैरियत इसी में है कि तीनों लोग चलो, नहीं तो मैं अगर देवला सुत हूं तो तुम लोगों के सर पर गर्दन नहीं रहने दूंगा अगर लाखन को कुछ होता है। और उदल की दहशत ऐसी थी कि सारे लोग उसका भय मानते थे, वो भी युद्ध स्थल के लिए लौट जाते हैं। अब उदल ने जो है
हर मोर्चे पर जाकर देखना शुरू किया, लेकिन लाखन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लिखा है मोर्चन मोर्चन फरे बैंदा नहीं कहूं लाखन पड़े दिखा। तब उदल उस समय बहुत अधिक भयभीत हो जाता है किसी अनहोनी की आशंका से। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि क्या आज हमारे मित्र का मिलना नहीं होगा, आखिरी मिलन था हमारा और लाखन का। इन्हीं सब बातों के ऊहापोह में थे कि उसी बीच उसे लाखन राणा की हंसने की चिंगार सुनाई देती है। चल लेता है वो लाखन राणा की ओर और मित्र वहां पर लाखन राणा ने जब देखा कि पृथ्वीराज ने सब्दवेधी बाण चढ़ा लिया है, वीर भगवंता ने गदा का प्रहार किया और चौड़ा के द्वारा भाला फेंक कर मारा गया, ताहर ने भी यानी कि जितने योद्धा गण थे वहां सब ने एक साथ प्रहार किया। तब लाखन के पास में एक चक्र था, जो चक्र जो है लाखन बहुत विपत्ति आने पर भी प्रयोग करते थे, उस चक्र का प्रयोग करते हैं और सारे अस्त्र शस्त्र कट कर गिर जाते हैं। वीर भगवंता सामने पड़ जाता है तो उस चक्र के कारण वीर भगवंता वहीं पर मारा जाता है। और जितनी बार प्रहार किया पृथ्वीराज ने तो लाखन राणा ने उनके सारे बाणों का समन कर दिया, उन बाणों को काट काट कर गिराते रहे। और एक समय ऐसा आता है कि जब एक साथ फिर सारे योद्धा एकत्रित होकर प्रहार करते हैं और पृथ्वीराज अपना शब्दवेधी बाण चलाते हैं, तब लाखन ने उस चक्र का पुनः प्रयोग किया। और जब चंद्रभाट ने देखा कि ये चक्र आ रहा है, चक्र न चूके लाखन यू को चाहे चूक जाए संसार, तब चंद्रभाट मन में विचार करता है कि अगर आज हमारे पृथ्वीराज महाराज यहीं पर मारे जाएंगे तो फिर निश्चित है कि हमारे चौहान वंश का दिया ही अस्त हो जाएगा। तो वो कहता है अब समय नष्ट न करें आप और इस चक्र को आप अपनी पीठ दिखा दें, क्योंकि पीठ देखने के बाद चक्र का कोई असर नहीं होता है, चक्र के प्रभाव से आप बच जाएंगे। पृथ्वीराज उसकी बात मान लेता है और चक्र की ओर पीठ कर लेता है। तो चक्र का एक नियम था कि अगर सामने जिसके ऊपर प्रहार किया गया है वो पीठ दिखा दे तो लौट करके वो उसी के पास जाता था जिसने उस चक्र को चलाया है। तब लाखन राणा जब देखते हैं कि पृथ्वीराज ने पीठ दिखा दी और चक्र मेरी ओर वापसी हो रहा है, तब वो माता फूलमती का स्मरण करते हैं, शारदा माता की स्मरण करते हैं और अनेकों भेड़ बकरे की बलि देना स्वीकार करते हैं और अपनी ढाल अड़ा देते हैं। कुछ ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है कि उस चक्र के प्रभाव से लाखन राणा बच जाते हैं, लेकिन कुछ अंश उनके ऊपर चक्र का पड़ जाता है जिसके कारण वो अचेत हो जाते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान दोबारा अपना शब्दवेधी गढ़ लक्ष्य कर संधान कर खड़े हो जाते हैं। उसी समय उदल का घोड़ा उदल को जो है लाखन की बुरही के पास लाता है और देखता है कि एक साथ इतने योद्धा घेरे हैं और लाखन राणा अचेत हो रहे हैं। वो तत्काल हौदे के ऊपर जाता है और लाखन राणा को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाता है, अपने वस्त्रों के द्वारा लाखन राणा का रक्त आदि पहुंचता है और जैसे ही गोद में लेता है तो कुछ चेतना लाखन में आती है। तब वो कहते हैं कि कैसी है राजा परमाल, कैसी है माता देवला,
कैसी है परेवना लाल यानी इंदल। तब उदल कहता है, मित्र धन्य है तुम्हें जो इस विषम स्थिति में भी तुम किसी दूसरे की सुध लेना नहीं भूले। सब कुशल से हैं, आप अब आराम करें, मैं देखता हूं कैसी तलवार है। तब राखन कहता है कि न ब्रजरासन बुद्धि हो गए न बल खाए गई तलवार। आप तो केवल मुझको कुछ पानी पिलवा दो, चुरवक पानी जो मिल जावे तो बन जाए प्राण के आस। यानी कि अगर एक अंजलि भर जल मिल जाएगा तो मेरे प्राणों की आशा बनी रहेगी। तब उदल अपने घोड़े से जाकर के अपनी मशक एक कपड़े कैसा पात्र बनाया जाता था जिसमें युद्धादि में या यात्रा में लोग पानी लेकर चला करते थे, तो उस मशक से पानी ला करके लाखन राणा को पिलाता है और लाखन राणा अपनी पूर्व अवस्था में आने लगते हैं। तब वो जाकर के पृथ्वीराज से कहता है कि महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जैसे मालिक हमारे लिए राजा परमाल है वैसे ही आप भी हमारे मालिक ही लगते हैं। लेकिन आप अनुरीत कर रहे हैं इसलिए मैं विवश होकर कहने आया हूँ कि ये शब्दवेदी बाण किसके ऊपर आप निशान रखा है। ना तो ये राजा परमाल है ना राजा जयचंद है, ये तो बेटा रति भान के घूमन नगर में हो जाए और उनके ऊपर आपने ये शब्दवेदी बाण चढ़ा रखा है। आपको जरा भी लज्जा नहीं आती है? तब उनकी बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान शर्मिंदा होती है और वो बाद में ये भी कहता है कि अगर आपको लड़ने की इच्छा है तो मैं आला को बुलवाई लेता हूँ, सारी फौजों मंगाई लेता हूँ और फिर मैं आपको युद्ध से छका दूंगा। लेकिन आपको इस तरह की घटियाई नहीं करना थी। आपने जो है एक साथ कितने लोगों ने घेर करके एक योद्धा को मारना चाहा, ये कहाँ का न्याय है? और जहां जहां ताप बैदल की पड़ गई है वहां वहां फतेह हुई है और एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार से हो कोई भी युद्ध मैंने आज तक हारा नहीं है। क्या उस दिन को भूल गए जब आपके दरवाजे पर मैंने दोनों हाथी पछाड़ दिए थे? और अगर आप कुशलता चाहते हैं तो अपना मोर्चा हटा दें। तो इतनी बातें सुनकर पृथ्वीराज अपना मोर्चा पीछे कर लेते हैं और इस तरीके से वहां पर एक हिसाब से युद्ध बंद हो जाता है। जबकि आलखंड में वर्णन है कि वहां पर फिर आल्हा की सेना आती है और युद्ध होता है। लेकिन आप जिस स्थिति को स्वीकार करें, मेरे विचार से तो यहीं तक मैं युद्ध का पटा छेप हो जाता है। पृथ्वीराज वापस हो जाते हैं और बहुत से विद्वानों का मत भी यही है कि जब राजा ही अपनी फौज को पीछे होने का आदेश देगा तो किस बात का युद्ध। आलखंड में काफी आगे बात जाती है कि पृथ्वीराज की सेना का जो बचा हुआ सामान था वो भी लाखन ने लुटवाया। लेकिन ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले अलग अलग लोग होते थे। तो मित्रों कैसा लगा आपको यह नदी बेतवा का वर्णन, उदल और लाखन का आपस में प्रेम? आप लोग जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि आपको कोई बाहरी आवाजें आज आए तो उसको एडजस्ट करिएगा क्योंकि अभी दीपावली का माहौल है और काफी ज्यादा शोर शराबा है। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। नमस्कार।